सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर को, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंटीरियर मास्टर में। दोस्तों, आज फिर मैं एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे एक छोटा बेडरूम यानी 10x12 का बेडरूम, किस तरह से बेडरूम बनाया है, कौन सा कलर हमने यहां पे यूज़ किया और क्या इसका प्राइस है, क्या डिजाइन में सीलिंग में बनाया है। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक वॉल। जो बैक वॉल आप देख रहे हो, ये बैक वॉल हमारी बनी है। इसके नीचे जो फ्लावर कलर का पैनल देख रहे हो, ये आपका वॉलपेपर लुक में हमने यहाँ पे पैनल को लगाया गया। और इसमें तीन बॉक्स हमने यहाँ पे बनाए हैं। तीनों बॉक्सों में देखो कुछ भी यहाँ पे एक छोटा सा डिजाइनिंग सामान या कुछ भी गुड्डा या कुछ भी ट्रॉफी वगैरह में यहाँ रख सकते हैं। देखो, सबसे पहले वाला बॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसके अंदर यहाँ पे सामान रखा हुआ है। बीच में एक हम लोगों ने फिर बॉक्स बनाया, नीचे फिर एक बॉक्स बनाया। तीन बॉक्स के साथ हमने जो बेड की बैक वॉल है उसको डिजाइनिंग किया है। साथ में जो हमारी तीन वॉल बनती है, तीनों वॉल पे हमने लाइट कलर का वुड लाइट पैनल यहाँ पे यूज़ किया गया है। और देखो यहाँ पे हमारे कर्टन्स लगे हैं। कर्टन के साथ ही रोड के ऊपर एक हम लोगों ने यहाँ पे टेडी वेयर को यहाँ पे लटकाया गया है, एक ऑफिस को थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए। दरअसल ये लुक गर्ल्स का है, गर्ल्स के लुक में आपको पता टेडी वेयर तो मिलता ही है हर एक रूम के अंदर। ये देखिए दोस्तों, तीन वॉल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लाइट कलर का जो पैनल हमने वुड कलर में लगाया है, और जो ये पैनल हमारा लगा हुआ है ये 5 mm का सुपर हैवी पैनल, जो हमारा आज इंडिया में जो सबसे सुपर हैवी पैनल आता है वो पैनल यहाँ पे यूज किया गया है। फिर से बैक वॉल आपको दिखाई दिए, और छोटा सा हमारा डॉगी है हमारे घर में, इसको भी हम लोगों ने वीडियो में आपको दिखाया है। बहुत ही प्यारा ये डॉगी है। अच्छा दोस्तों, हम चलते हैं, हम धीरे धीरे हमारा सीलिंग की तरफ। जो सीलिंग पे हमने डिजाइन बनाया है, बहुत ही अच्छा डिजाइन यहाँ पे बनाया है। इसमें जो हमने कलर यूज किया है वो के दो कलर, एक हमारा वाइट कलर का और गोल्डन लाइन वाला जो पैनल हमारे पास है वो पैनल यूज किया है, एक हमारा कॉफी कलर का पैनल यूज किया है। ये देखिए, दो पैनल से हमने सीलिंग को कवरिंग किया। पहले हम लोगों ने यहाँ पे 17 इंच का बॉर्डर डाउन किया है। देखो चारों तरफ से, मैं बॉर्डर आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। कॉफी कलर का बॉर्डर हमने यहाँ पे 17 इंच का किया है, और बीच में अगर हम देखते हैं 60 इंच बाई करीबन 80 इंच का हमारा एक यहाँ पे बड़ा बॉक्स यानी डाउन करके हमने बनाया गया है। देखिए, पहले बॉर्डर्स को ही मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ, कॉफी कलर का। और जिसमें जो लाइट हमने यूज किया, चारों कोने के अंदर हमने लाइट यूज किया है, यानी चार कोने में, और एक जो लंबे वाला एरिया 12 फुट वाला, वहाँ पे हम लोगों ने एक एक लाइट अलग से यूज किया, यानी करीबन हमारी 12 लाइट इस रूम में, सॉरी 10 लाइट इस रूम में हमने यूज किए। ये देखो सेंटर्स वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 80 इंच बाई 60 इंच का हमारा एक बॉक्स बना है। और फैन जो हमारा है, फैन के नीचे भी हम लोगों ने एक अच्छा डिजाइन बर्फी वाला डिजाइन बनाया जिसके अंदर ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे लगी है। और दो बॉक्स यानी छोटे छोटे आप देख रहे हो जो डिजाइनिंग के लिए, जिसके अंदर ब्लू कलर की लाइट लगी है, ये भी हम लोगों ने एक डिजाइनिंग में दिए। देखो दोनों के अंदर ब्लू लाइट्स और सेकंड, और जो हमारा बॉर्डर जो डाउन हुआ है हमारा, उसमें हमने येलो कलर की स्ट्रिप लाइट यूज की गई है। अगर हम लाइट की बात करते हैं, यहाँ पे हम लाइट यूज कर रहे हैं सोनी कंपनी की, जो एक सोनी कंपनी का बहुत ही अच्छा ब्रांड है, हमारे चंडीगढ़ शहर में चलता है, वैसे इंडिया में भी इसका काफ़ी जगह पर है। इस ब्रांड को हमने यूज किया है। दोबारा से हम बैक वॉल पे आते हुए, बैक वॉल पे जो बॉक्स है उनके अंदर भी लाइट, जो पहले आपने देखा लाइट ऑन नहीं थी, अब लाइट ऑन के बाद देखो पहले वाला बॉक्स में मैंने रेड कलर की लाइट यहाँ पे लगाई है, जो कि एक यहाँ पे छोटा है टैडी रखा है। टैडी के ऊपर लाइट जो हमारी रेड कलर की, कितनी सुंदर अच्छी लग रही है यहाँ पे। और उसके साथ वाला जो बीच वाला बॉक्स है, यहाँ पे हमने यूज़ किया वॉर्म वाइट कलर की लाइट। यहाँ पे हमारे पास वॉर्म व्हाइट कलर की लाइट का भी ग्रेस आप देख रहे हो। नीचे वाला जो बॉक्स है, यहाँ पे हमने दिया है ब्लू कलर की लाइट, ब्लू कलर की लाइट भी आप ग्रेस देख रहे हो। इस तरह से जैसे हम अपने चॉइस के हिसाब से लाइट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, विश्वास है आपको मेरी ये वीडियो और काम करने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा है। बहुत सारी वीडियो को हमने
आपको दिखाया है, सारी वीडियो को आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, इस वीडियो को भी प्यार चाहिए और अच्छे से लाइक वगैरह चाहिए। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंस की, जो हमारी सीलिंग्स होती है, सीलिंग का जो एक्सपेंस हम लेते हैं वो लेते हैं करीब 90 रुपये से 100-110 रुपये पर स्क्वायर फुट डिजाइनिंग के हिसाब से। अगर हम वॉल की बात करते हैं, जो आज हमारा इंडिया में सुपर हैवी पैनल चलता है, उसका जो एक्सपेंस है हमारे पास 70 रुपये पर स्क्वायर फुट। जो नॉर्मल पैनल, जो प्राइम पैनल हमारे पास ऑलरेडी पहले चलता था 5 mm का पैनल, उसका 60 रुपये पर स्क्वायर फुट है। उसी हिसाब से जो हमारा एरिया निकलता है बेड का, बेडरूम का या हॉल का, कोई भी एरिया हमारा पीवीसी निकलता है, उसके हिसाब से उसकी अमाउंट बन जाती है। दोस्तों, पीवीसी वॉल पैनल का कोई भी काम करवाना हो, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।